के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया के साथ पिछले 38 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और ये 83 के अंदर मैं फर्स्ट टाइम 9th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का डेलीगेट नियुक्त किया गया था, और जो कि आज हमारा 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। मैं अभी गोवा से बोल रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इंडियन पैनोरमा की जूरी के मेंबर से इस बार मुझे डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल ने मुझे एक अवसर दिया है यहाँ पे आने का, और मैं उसको उस हैसियत के साथ इस फेस्टिवल को अटेंड कर रहा हूँ। और मैंने ये देखा कि ये फेस्टिवल जो है 51st फेस्टिवल, और इससे पुराने जितने भी फेस्टिवल आज तक हुए हैं उनके अंदर बहुत अंतर है। ये फर्स्ट टाइम है कि कोविड की वजह से ये जो हमारा जो फेस्टिवल है ये दो पार्ट में हो रहा है, एक पार्ट जो है हमारा वर्चुअल है और दूसरा पार्ट जो है हमारा फिजिकल है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मैं अपने सूचना और प्रसारण मंत्री जी को और गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मैं दोनों को बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे समय के अंदर जब सब दूसरे देशों ने अपने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को या तो स्थगित कर दिया था या उनको बंद कर दिया था, तो ऐसे समय में हमारे भारतवर्ष ने एक बहुत बड़ी एक हिम्मत दिखाई है। एक बड़ा चैलेंजिंग काम था कि जो इन्होंने इस बार इस 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है। तो उस दिन जब इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन हुआ तो हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम इस वक्त अपने जो डिजिटल माध्यम है उसका हम पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, कि पहले जो हमारे डेलीगेट्स जो फॉरेन से आया करते थे वो इस बारी नहीं आए हैं, उनको यहाँ पे आने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी हम अपने भारतवर्ष की जो सारी फिल्में हैं पूरे संसार के अंदर हम पहुँचा सकते हैं। तो उन्होंने इस बात को एक बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमने इस चीज़ को एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में हम इसको ले सकते हैं। जहाँ तक इस मैनेजमेंट का सवाल है, बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है इस फेस्टिवल की, और मुझे ये पता लगा है कि यहाँ पे टोटल कैपेसिटी 3000 की थी हमारे टोटल सिनेमा को यहाँ पे मिला के, आईनॉक्स और कला एकेडमी को मिला के, इस बार 3000 से जो ज़्यादा कैपेसिटी थी उसको 1200 में रिस्ट्रिक्ट। मज़े की बात यह है कि जो हमारा इंटरनेशनल जूरी है वो 5 मेंबर की होती है, और हमारे चेयरमैन जो है वो अर्जेंटाइनस है पैब्लो सीजर जो है, और जो बाकी मेंबर्स भी हैं केवल एक भारतीय जूरी मेंबर को छोड़ के बाकी सब मेंबर्स जो हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो चयन है वो अपने अपने देश में बैठ के करेंगे। और प्रियदर्शन जी जो हमारे भारतवर्ष के रिप्रेजेंटेटिव है इंटरनेशनल जूरी में, वो अपनी जो कमेटी है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और प्रॉपर इनॉग्रेशन के समय में वो यहाँ पे आए हुए थे। इस वक्त एक ओपन फोरम जो कि हमारा 1988 में शुरू हुआ था, इस साल वो ओपन फोरम नहीं हो रहा है, और कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे हमारी मास्टर क्लासेस होती हैं या इन कन्वर्सेशन होती है, मतलब ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे लोग फिजिकल इकट्ठा होना माना जाता है, उस एक्टिविटीज़ को हमने इस फेस्टिवल में सबको ऑनलाइन में इसको कर दिया है, ताकि बाकी फेस्टिवल के अंदर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। इस वक्त इस साल जो हमारा इनॉग्रेशन के बाद एक डिनर होता था, या जो डिनर या तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से होता था या चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा की तरफ से होता था, तो इस बारी उस डिनर को भी नहीं रखा गया, और कोशिश ये की। इस वर्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्वालिटी ऑफ फिल्म्स है वो बहुत ही अच्छी है, और वो दोनों में ही फॉरेन फिल्म्स हो चाहे हमारी भारतीय फिल्मों हो, तो ये एक बहुत विशेषता है इस फेस्टिवल की। और इस वक्त जो हमारी जो स्थिति है जिस भी कंडीशंस के अंदर ये फेस्टिवल हो रहा है, इससे बढ़िया ये फेस्टिवल हो नहीं सकता था, और ये इसका डिसीजन जो है कि ये फेस्टिवल होना है कि नहीं होना, ये हमारे नवंबर में लिया गया था, और जनवरी के अंदर इस ये फेस्टिवल दोबारा 16 जनवरी से ये फेस्टिवल हो रहा है।
इतने कम समय के अंदर इस फेस्टिवल को करना ये बहुत ही एक हरकुलियन जॉब था, जबकि फेस्टिवल करने से पहले बहुत सारे काम करने होते हैं। रिव्यू कमेटी की मीटिंग्स होती हैं जो 20-22 दिन तो वही ले जाती हैं, उसके बाद फिर जो इंडियन पैनोरमा की जूरी बैठती है 20-25 दिन उसके अंदर लग जाते हैं। तो ये एक मैंडेटरी चीज़ें होती हैं फेस्टिवल करने से पहले, और भी काफ़ी अरेंजमेंट करने होते हैं। तो इस वक्त मैं अपने जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के जो निदेशक हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री चैतन्य प्रसाद जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और साथ में उनके जो उनके जो ऑफिसर्स हैं तनु राय जी और प्रशांत कुमार जी, जो छोटी सी टीम ने इतने बड़े काम को इतने छोटे समय में जो करके दिखाया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त काबिल तारीफ है। अदरवाइज ये एक बहुत ही डिफिकल्ट कार्य था छोटे समय में इस कार्य को करने का, वो बड़ी सफलता से उन्होंने इस कार्य को किया है और अभी कर रहे हैं। किसी भी डेलीगेट को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है और सभी लोग अपना इस फेस्टिवल से बहुत ही संतुष्ट हैं। और मैं सबसे अधिक बधाई का पात्र मैं अपने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर को मैं देता हूँ, जिन्होंने ये एक बड़े चैलेंज को स्वीकार किया और डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल ने इसको और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इतने एक छोटे से टाइम के अंदर इस कार्य को करके दिखाया। ये बहुत ही बधाई के पात्र है।